नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा एंड आई एम फाइनली बैक विद अनदर वीडियो, जिसमें आज मैं आपको मोटो G72 की अनबॉक्सिंग और इसका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाऊंगा। हमेशा की तरह आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फोन में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, इसके साथ साथ बॉक्स कॉन्टेंट क्या है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, जो कि इसकी वजह से काफी हो चुका है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्सिंग आपने हमारी हमेशा ही देखी है और आज भी देखिए गौर से, और फटाफट से यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, सील को काट लेते हैं इधर से और इधर से भी काट लेते हैं सील को, और इधर से बॉक्स को खोल दिया जाए फटाफट से। तो यहां से बॉक्स मैंने खोल दिया है, इधर अंदर कुछ नहीं है, इसको यहां पे प्लेस कर देते हैं। मोटो G72 आप पढ़ते रहिए, और ये रहा देखिए ऊपर ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ है, इसको हम निकाल लेते हैं। और कंपनी देखिए हमेशा ही जो है फोन में बैक कवर जो है हमेशा लगा के आपको साथ में देती है। और इधर देखिए कुछ स्पेक्स लिखे हैं, अल्ट्रा हाई रेस 108 मेगापिक्सल कैमरा, और साथ साथ स्क्रीन साइज भी लिखा है HDR10+ और 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पे फोन में आपको डॉल्बी एटमॉस इमर्सिव स्टीरियो साउंड एक्सपीरियंस मिल जाता है। बट एनीवे इसको हम यहाँ से निकाल देंगे और हम फोन पे बात करेंगे। यहाँ देखिए फोन की लुक्स देखिए, इधर स्क्रीन पर कोई भी गार्ड नहीं लगा, ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको, पर कंपनी ने स्क्रीन कवर दिया है। पीछे फोन के लुक्स देखिए, अभी लुक्स डिटेल में दिखाऊंगा, पहले हम बॉक्स कंटेंट देखते हैं। देखिए लोगो फ्लैश हुआ, बैटमैन ऐसा लोगो फ्लैश हुआ, जैसे बैटमैन का लोगो फ्लैश होता है ना, जैसे कोई यू नो आपने देखा होगा बैटमैन मूवीज सीरीज में, कहीं क्राइम हो रहा तो बैटमैन का स्काई में लोगो फ्लैश होता है, वैसे ये लोगो फ्लैश होता है मोटो का भी। और इधर देखिए इसके अंदर क्या क्या मिलता है देखते हैं जरा हम, यहाँ पे कुछ नहीं है। और इधर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक देखिए सिम इजेक्टर टूल दिया है, जिसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ मैं। और बाकी बॉक्स कंटेंट में नजर डालते हैं, यहाँ पे आपको एक चार्जर मिल जाता है 33 वॉट का चार्जर, यहाँ पे कंपनी मुहैया करवा के आपको दे रही है, इसको अपने यहाँ पे प्लेस। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक केबल मिल जाती है, जो केबल है एक तरफ टाइप सी है देखिए, और एक तरफ USB स्लॉट आपको मिल जाता है। तो ये है मोटो G72 की अनबॉक्सिंग, जब आप इस फोन खरीदेंगे ये बॉक्स कंटेंट आपको इसके अंदर मुहैया करवा के दिया जाएगा। बट एनीवे फटाफट से अब इसके फर्स्ट इंप्रेशन पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों फोन का मैंने सेटअप कर लिया है, और बाय चांस है कि ये मेरे यू नो बैकग्राउंड से कलर जो है मिलता जुलता देखने को आपको मिल रहा है। और इधर आप देखिए लुक काफी इंटरेस्टिंग, थोड़ी चेंज कर दी कंपनी ने लुक, है तो रेगुलर डिजाइन ही, लेकिन कुछ कुछ ट्वीक्स करके लुक को इंटरेस्टिंग किया है। कैमरा में आप देखिए यहाँ पे सेपरेशन दी, इसकी वजह से लुक अलग बन जाती है। स्क्वायर शेप कैमरा मॉड्यूल दिया है, ट्रिपल ए कैमरा सेटअप है, LED फ्लैश लाइट दिख जाएगी, मोटो का लोगो और इधर मोटो की ब्रांडिंग दी गई है, थोड़ा सा कर्व है। यहाँ पे आप देखिए इधर आपको पावर बटन और बल्ब वॉकर की मिल जाती है, और पीछे जो कंस्ट्रक्शन है वो आप देख सकते हैं पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन है, इधर से भी कर्व्स अच्छे दिए गए हैं। ऊपर की तरफ एक माइक मिल जाएगा, डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग दी है, जिससे ये साबित होता है कि इसमें डॉल्बी एटमॉस साउंड टेक्नोलॉजी दी गई, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। इसके अलावा अगर हम इधर देखेंगे तो इधर सिम ट्रे आपको मिल जाएगी, सिम ट्रे खोल के हम देख लेते हैं कि स्लॉट कैसा यहाँ पे कंपनी आपको दे रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपनी आपको ट्रिपल स्लॉट दे रही है, मैंने चेक नहीं किया अभी, आपसे हम चेक कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ओके तो देख सकते हैं यहाँ पे हाइब्रिड स्लॉट है, ट्रिपल स्लॉट नहीं, मैं गलत था, या तो आप अपने दो सिम कार्ड डाल पाएंगे या फिर एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड। नीचे की तरफ आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, आपको मिलेगा 3.5 मोडी जैक, एक माइक, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। तो स्पीकर ग्रिल से यही बात है कि ऑडियो इसमें आपको बहुत शानदार मिलने वाला, डॉल्बी एटमॉस साउंड टेक्नोलॉजी दी गई है। पर एनीवे डिजाइन को हमने अच्छे से देख लिया, बात आती है फीचर्स पर नजर डालने की, तो आपको सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बता दूं, 6.6 इंच का आपको इसमें फुल HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिल जाता है, 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है। एक बार हम यहाँ पे वाइड स्क्रीन खोल के आपको दिखाते हैं कि डिस्प्ले कैसा दिखता है। यहाँ पे देखिए पंच होल छोटा सा है, 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, POLED टेक्नोलॉजी है, 1300 nits की ब्राइटनेस कंपनी ने यहाँ पे दी है, और 576Hz की यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट आपको फोन में देखने को मिल जाता है। तो लुक काफी शानदार है डिस्प्ले की भी, आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ फीचर्स भी डिस्प्ले के काफी शानदार हैं। बेजल्स देखिए बहुत ही स्लीक से है, ऊपर जो बेजल का साइज है नीचे भी उतना ही है, ऐसे नहीं है कि नीचे बहुत बड़ा चिन्ह दे दिया हो, कंपनी ने इस बात की अश्योरिटी रखी है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बता दूं कि फोन में आपको जो मिलेगा प्रोसेसर वो है MediaTek का हीलियो G99 चिपसेट। अब थोड़ी सी यहाँ पे ये निराशा है कि 4G प्रोसेसर कंपनी मुहैया करवा के दिया है, 5G का जमाना शुरू हो गया है और कंपनी 4G दे रही है, बट परफॉर्मेंस वाइज आप इससे निराश नहीं हो, काफी पावरफुल चिपसेट है G99।
गेमिंग भी अच्छे से आप इसमें कर पाएंगे। गेमिंग का टेस्ट हम करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अगर आप गेमिंग देखना चाहते हैं या फिर नहीं। इसके साथ साथ बता दूं 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन वाला प्रोसेसर है, तो यहाँ पे आपको यू नो पावर एफिशिएंसी की भी दिक्कत नहीं होगी। बैटरी बैकअप भी इससे आपको अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी भी है और 33 वाट चार्जिंग स्पीड भी आपको मिल जाती है। Android 12 दिया गया है, नियर स्टॉक एंड्रॉयड कंपनी देती है, जिसकी वजह से यू नो थोड़ी बैटरी वहाँ भी बच जाती है, बहुत ज़्यादा बैटरी ये कंज्यूम नहीं करता। तो ओवरऑल यू नो परफॉर्मेंस वाइज ऐसी कोई निराशा नहीं होगी। कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इसमें आपको 108 यानी 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल जाता है। नॉट नाउ करते हैं, शटर स्पीड देखिए बहुत ही शानदार है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है, ये मैक्रो है और इससे आप यू नो अल्ट्रा वाइड फोटोग्राफी कर पाएंगे। ये 2 मेगापिक्सल मैक्रो है और ये 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, यहाँ मेन है और ये देखिए अल्ट्रा वाइड और ये मैक्रो हो गया। मैक्रो के लिए हमें काफ़ी पास जाना पड़ेगा, वो हम आपको फोटोग्राफी टेस्ट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप सेटिंग देखिए कि आपको इधर 30 फ्रेम और 60 फ्रेम में स्विच करने का ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है इजीली। प्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसमें आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जेपेक रॉ प्लस जेपेक में कन्वर्ट कर सकते हैं आप उसको। मैं जेपेक पर रख देता हूँ वापस, फिर बाई चांस फोटो खींचो रॉ में क्लिक हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे पोर्ट्रेट, नाइट विजन और ये कुछ फीचर्स आपको मिल जाएंगे। देखिए वही फ्रंट कैमरा का भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, तो ये देखिए इसका फोटो मोड है, शटर स्पीड ठीक लग रही है, वाइड भी कर सकते हैं थोड़ा सा। और इसके वीडियो आके देखते हैं एक बार हम, वीडियो में आप यहाँ पे देखिए आपको फ्रेम रेट चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, नाइट विजन फ्रंट में नहीं है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं इसके अंदर, कुछ कुछ कमियां भी हैं, पर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको मोटो का फोन कैसा लगा, और आप मुझे लिख के बताएं कि क्या आप मोटो G72 खरीदना चाहेंगे। बट एनीवे कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमेशा की तरह ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।